नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोटिलिटी डिसऑर्डर्स अब मोटिलिटी डिसऑर्डर में फर्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है एक्लेजिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है अब होता क्या है एक्लेजिया में कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी टोन इनक्रीज़ कर जाती है होता यह है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं लोअर एंड पे उनकी डिजनरेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि और प्लेक्सिस कौन सा होता है या और ब्लैक प्लेक्सिस इसमें ये होता है कि लोअर एसोवेजियल स्विंकटर को इनहिबिट नहीं कर पाते वो रिलैक्स नहीं करता जिसकी वजह से होता है यह है कि लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस में प्रेशर इंक्रीज कर जाता है सो टोन और प्रेशर इंक्रीज़ अब पेशेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रजेंटेशन के साथ आता है अब मेन प्रेजेंटेशन ये होगी कि अगर प्रेशर इंक्रीज है टो स्विंटर बंद है तो डिस्फेजिया होगा लेकिन इसमें बहुत सॉलिड्स और लिक्विड्स का डिस्फेजिया होता है इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर ये लोअर एसोफेजियल फिंकर का फंक्शन ही काम नहीं कर रहा सही साथ उसकी वही ये टिपिकल फीचर चेस्ट पेन है वॉमिटिंग या और डायनोफेजिया डायग्नोसिस इस तरह करते हैं कि अक्लेजिया का पेशेंट जब भी आएगा तो आपने इनिशियल टेस्ट जो है वो बेरियम स्वेलो करवाना है उससे बर्ड बीक डिफॉर्मिटी पता लगेगी उसमें ये होगा कि ये अगर एसोफेगस है तो ये लोअर एंड पे ऐसे बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलेगी और साथ हाई प्रेशर मैनोमेट्री इसमें ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर इंक्रीज मिलेगा अब डायग्नोसिस से पहले जो है वो अगर रूल आउट करने के लिए कि कैंसर ऑफ कार्डिया का भी सेम फीचर होते हैं सेम रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर्स आ रहे होते हैं इसलिए उसको कहते हैं सीडोक्लेजिया अब सूडोक्लेजिया को रिमूव करने के लिए आपने एंडोस्कोपी करनी है कि वो एक्सक्लूड हो गया फिर आपने बेरियम स्वेलो और हाई प्रेशर मैनोमेट्री करनी ट्रीटमेंट में क्या करना है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या नाइट्रोग्लिसरीन निफेडोपिन जो है वो मेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है नाइट्रोगलेसिन या फिर बोटलिनम टॉक्सिन जो है वो एसिटाइल एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज़ करेगा और पैरसिपथेटिक सिम्टम सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इंक्रीज सक्रीशंस होती है और नॉर्मली जो है वो स्विंकटर्स रिलैक्स करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ये होगा कि अगर स्विंक्टर ही कंट्रैक्टेड है और प्रेशर इंक्रीज है तो न्यूमेटिकली उसको डायलेट करके ओपन किया जाए और सर्जरी में ये होता है कि हेलर मायोटमी यानी मसल्स मूविंग होती है तो ये अब सर्जरी में मेनली पढ़ेंगे कि हेलर हेलरमाटोमी करते कैसे हैं और पोस्ट ऑपरेटिवली पीपीआई और अगर पोस्ट ऑपरेटिवली कोई गर्ड डेवलप हो जाए तो उसके लिए भी जो है वो सर्जिकली करेक्शन चाहिए और किसी भी एसिड रिफ्लैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम पी, -पी पोस्ट ऑपरेटिव देते हैं नेक्स्ट थिंग जो है मोटिलिटी फंक्शनल डिसऑर्डर जो है फंक्शनल तो नहीं है ये मैकेनिकल है अब इस मोटिलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जैंकर डायवर्टिकुलम इसमें मेनली होता है डायवर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं अब जैकर में क्या होता है कि पोस्टीरियरली जो है क्रिकोफ्रेंज से एक आउट पोचिंग हो जाती है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसोफेगस सो ये एक आउट पोचिंग डिवेलप हो जाएगी अब फूड जो है वो इस आउट पोचिंग में आ जाएगी सारी अब अनडाइजेस्टिड फूड है क्योंकि स्टमक तक तो ये गई नहीं तो इसलिए जो होता है ही है कि अनडाइजेस्टिड फूड ट्रिगर की डेट करेगी और बैड स्मेल आएगी माउथ से हेलिटोसिस उसको कहते हैं डायग्नोसिस में यह होगा बेरियम डायब्राम डालेंगे तो उससे जो पता लगेगा वो ये होगा कि हमें पाउच मिल जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन उसमें मिल जाएगी कि एक पाउच डेवलप हो गया जिसकी वजह से जो है वो मोटिलिटी डिसऑर्डर आ रहा है और ट्रीटमेंट यही है कि सर्जिकल रिमूवल करना है सर्जिकल मायाटमी या डायबेटिकलॉटमी इसको कहते हैं कि अपने डायबिटिकलम को ही रिमूव कर देना है नेक्स्ट थिंग जो है वो है एसोफेजियल स्पेजम अब एसोफेज स्पेजम दो किस्म के या डिफ्यूज एसोफेज स्पेजम है या नट क्रैकर एसोफेगस अब दोनों में डिफ्रेंशियट नहीं आप कर सकते डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको हाई प्रेशर मेनोमिट्री करनी पड़ेगी और यही इसका बेस्ट टेस्ट है बेनिम स्वेलो में इसमें कॉर्ड्स क्रो अपेरेंस आएगी कॉर्ड्स क्रो अपेरेंस इस तरह आएगी कि नॉर्मली पेरस्टाल्ट कंट्रेक्शन जो है वो अन रिलैक्स फेस में उसमें आएगी अल्टरनेटिव लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंट्रेक्शन दिस इज रिलैक्सेशन इस तरह स आ रही होगी एसोफेगस की सो ये बेरियम स्वेलो इसका स्पेसिफिक है scuba, बीक जो है वो क्लेजिया की और इसकी कॉर्कलूपियरस और सा ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वही ब्लॉकर्सिडापिन नाइट्रोगलिन रिलेक्सेशन के लिए यूज होंगे और अगर इससे आराम ना आए तो निमेटिक डायलेशन लास्ट में है वो है रिंग्स और वेब्स अब रिंग्स में जो है वो एक होती है शर्टस्क रिंग अब शर्ट स्की रिंग में जो है वो होता ही है कि लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस में ग, ग, रिंग डेवलप हो जाती है या स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाता है और एसोफेजियल वेब्स जो हैं वो अपर एंड पे डेवलप होते हैं और वो उनमें प्लमर विल्सन सिंड्रोम या पैटरसन कैली सिंड्रोम में ही होते हैं कि ग्लोसाइटस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एसोफेजियल वेब का एक ट्राइड बनता है सो so, इनकी भी ट्रीटमेंट वही है नेमेटिक डायलेशन करनी है और आपने जो है वो एसोफेजियल पाथवे को ओपन करना है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए सो so, ये सारे थे मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में अब फंक्शनल मोटिलिटी कौन से होते हैं और मैकेनिकल कौन से हैं अब फंक्शनल जो हैं वो उसमें तीन नाम आपने याद रखने हैं एक है अक्लेजिया का एक स्पेजम का एसोफेजियल स्पेजम और लास्ट में है सेक्लैरोडर्मा अब सकलैरोडर्मा हम मेनली पढ़ेंगे जब सिस्टेमिक सेक्लोरोसिस पढ़ेंगे उसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं सिस्टेमिक सेक्लोसिस के उनमें एसोफेजियल प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है सो so ये जब हम पढ़ेंगे आटो इम्यून डिजीज और जो, जो है सिस्टेमिक सेक्लोरोसिस पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे फंक्शनल के साथ जो है वो दूसरे हैं वो है मकैनिकल अब मकैनिकल में ये रहता है कि या तो कोई बिनाइन ट्यूमर या कोई मलिग्नेट ट्यूमर हो सकता है ठीक है बिना स्ट्रिक्चर डिवेल्प हो सकता है साथ ये रिंग या वेब हो सकता है और इसके अलावा जो है वो डायबिकुल में जिनमें मेनली जेंकर है वो डिवेल्प हो सकता है तो ये दो है मैकेनिकल और फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसोफेजियल कैंसर एसोफेजियल कैंसर जो है उसमें दो टाइप के कैंसर हैं स्क्वेमस जो अपर एरिया में होता है और एडिनोकार्सिनोमा जो लोअर थर्ड पे है अब स्क्वेमस के काज मेनली अल्कोहल स्मोकिंग लेकिन जो याद करने वाला है वो है अक्लेजिया जो रिलेट है स्क्वेमस से और दूसरा बैरट जो एडिनो से रिलेट है अब क्लिनिकल फीचर कैंसर के वही होते हैं वेट लॉस लेकिन ये याद रखें कि कैंसर में प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है और पेनलेस होता है और डिस्फेजिया होता है मेनली फॉर सॉलिड्स डायग्नोसिस किस तरह करेंगे एसोफेजियल है एंडोस्कोपी करेंगे साथ बायोप्सी करेंगे बायोप्सी से कैंसर की स्टेजिंग का हमें आइडिया हो जाएगा और अगर उसका मेटास्टेसिस चेक करना है सीटी, पेट सीटी करेंगे और अल्ट्रासाउंड से उसकी इन्वेजन्स को चेक करेंगे कि कितना पेनिट्रेट कर गया और किस किस लिम्फ नोड में और साथ हमें लिम्फ डिनोपैथी भी मिल सकती है ट्रीटमेंट में यही है कि अगर स्टेज वन जीरो है या टू है तो उसके लिए सर्जिकल या फिर फिर थ्री फोर के लिए कीमो या रेडियोथेरेपी करेंगे स्टेजिंग हम कैंसर श्री में मेनली पढ़ेंगे रेडियो के लिए मेन जो है वो सेल कार्सिनोमा इज बेटर ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी परफोरेशन इज़ द लास्ट परफोरेशन ऑफ एसोफेगस कब होती है जब कोई मेलेग्नेंसी करोसिव कॉज हो या कोई मेलरीवीज या फिर बोरहावे जो है ये कॉज करते हैं परफोरेशन इस तरह के मेलरीवीज या बोरहावे सिंड्रोम इस तरह होता है कि फोर्सफुल वामिटिंग होती है इसकी वजह से टीयर्स डिवेलप हो जाते हैं अगर वामिटिंग हुई है और टीयर्स डिवेल्प हुए हैं तो यह है मेलरीवीज़ ज़्यादा स्वियर नहीं है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्वयर वामिटिंग के हाथ हुआ है और परफोरेशन डिवेल्प हो गई और वो मिडियास्टिनो में चला गया तो इसकी वजह से ये बोरहावे सिंड्रोम हो जाता है सो मेलरी मेलरीविज इज़ माइल्ड बोरहावे इज स्वियर नेक्स्ट थिंग ये है कि कोई रेडियो बल्लेशन की वजह से हो सकता है परफोरेशन ट्रीट डायग्नोसिस इसी तरह करनी है परफोरेशन की कि आपने सीटी टी एंडोस्कोपी करनी है और ट्रीटमेंट इज सर्जरी फॉर द परफोरेशन